तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, पुष्पा दी रूल पार्ट 2 का टीजर आने वाला है और उसका सब ही वेट कर रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि इसका टीजर हमें कब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी एक छोटी सी अनाउंसमेंट वीडियो डाली गई थी तब से ही इस मूवी के लिए जो है एक्साइटमेंट और बढ़ चुकी थी और लोग जल्द ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका टीजर भी आ जाएगा। लेकिन उस अनाउंसमेंट वीडियो को जो है रिलीज हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें कोई ऑफिशियल जो है इसके टीजर की अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली थी। लेकिन अब ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है और इसकी टीजर की जो रिलीज डेट है वो निकल कर आ चुकी है। तो कब इसका टीजर आपको देखने को मिलने वाला है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना और पूरी डिटेल भी बताऊंगा जिन लोगों को इस मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस, वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले तो इस मूवी के बजट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो पुष्पा पार्ट 1 का बजट था वो था लगभग 200 करोड़ रुपये, लेकिन पार्ट 2 का अगर मैं आप लोगों को बजट बताऊं तो इस मूवी का बजट जो है उससे भी डबल से भी ज़्यादा है, यानी कि 500 करोड़ रुपये इस मूवी का जो बजट है पार्ट 2 का। पार्ट 1 का 200 करोड़ और पार्ट 2 का 500 करोड़। तो अगर 200 करोड़ में हमें पुष्पा जैसी मूवी देखने को मिली थी जो कि एक मास्टरपीस मूवी थी, तो सोचो 500 करोड़ में सुकुमारन क्या बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर इस मूवी की जो स्टार कास्ट है, पार्ट 1 में हमें जो स्टार कास्ट देखने को मिली थी तो पार्ट 2 में भी कुछ वैसी ही स्टार कास्ट देखने को मिलेगी, लेकिन 2 से 3 बड़े नाम ऐसे हैं जो ऐड किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है विजय सेतुपति का। आप लोगों को अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, इसके अलावा फाहिद फैसल तो देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ विजय सेतुपति आपको देखने को मिलने वाले हैं और जो बड़ा नाम है वो है अक्षय कुमार का। जी हाँ, इस बॉलीवुड से अक्षय कुमार का भी कैमियो आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। बात करें अगर मूवी को कितनी लैंग्वेजेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो मूवी को पैन इंडिया लेवल पर सारी लैंग्वेजेज में रिलीज़ किया जाएगा। और जो लोग ये कह रहे थे कि इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, तो मेकर्स ने कुछ दिन पहले कंफर्मेशन भी की थी एक पोस्टर डालकर, जिसमें लिखा हुआ था 200 दिन रह गए हैं पुष्पा 2 को रिलीज होने में, यानी कि इस मूवी की रिलीज डेट कोई पोस्टपोन नहीं की गई, ये आप लोगों को अगस्त में ही देखने को मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी का टीजर आपको कब देखने को मिलेगा। तो गाइस, रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है कि इसका जो टीजर है, पहले उसका रन टाइम बता दूं, क्योंकि उसका रन टाइम भी निकल कर आ चुका है और 200 सेकंड का ये टीजर होने वाला है, लगभग 3 मिनट से ऊपर का ये टीजर होने वाला है। जी हाँ गाइस, आमतौर पर जो 3 मिनट के होते हैं वो ट्रेलर होते हैं, लेकिन पुष्पा 2 का टीजर ही हमें 3 मिनट का देखने को मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टीजर होने वाला है। और रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि फुल ऑफ एक्शन पैक्ड टीजर होने वाला है और आप लोगों को नए डायलॉग भी देखने को मिलने वाले हैं इस टीजर में। अब बात कर लेते हैं टीजर की अर्लीज डेट। तो गाइस, डेट लोग कर लो 8 अप्रैल 2024। जी हाँ गाइस, जो लोग अल्लू अर्जुन के फैन हैं उनको पता चल गया होगा कि 8 अप्रैल को क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। तो गाइस, 8 अप्रैल को आने वाला है अल्लू अर्जुन का बर्थडे और पिछले अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर ही इस मूवी की जो अनाउंसमेंट वीडियो है वो डाली गई थी और इस बर्थडे पर इस मूवी का टीजर रिलीज किया जाना है, ये 99% कन्फर्म है। और मेकर्स ने ये प्लान कर लिया है कि इस मूवी का जो टीजर है वो आप लोगों को 8 अप्रैल यानी कि अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर ही देखने को मिलने वाला है, इसलिए डेट लॉक कर लो। अगर आप इसके टीजर का वेट कर रहे थे तो आप लोगों को अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा वेट भी नहीं करना, ये फरवरी का महीना है, ये भी लगभग जो है आधे दिन इसके गुजर चुके हैं, आधे रह गए हैं। इसके अलावा मार्च आप लोगों को वेट करना है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों को इसका टीजर देखने को मिल जाएगा। मैं तो इसके टीजर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितने हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इसकी फ्यूचर की अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। तो गाइस, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।